हेलो एवरीवन। तो आज अब हम लोग बात करेंगे एंसेबल के अगले टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, एंसेबल का एक लेक्चर हमने डाल दिया था, एंसेबल का इंट्रोडक्शन को ऊपर हमने एक लेक्चर बना के दे दिया था और दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। और मैंने ये भी बोला था कि एंसेबल का पूरा पूरा सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, प्लेलिस्ट में जाते हैं हम यहाँ पर, और ये देखिए एंसेबल ट्यूटोरियल में हमने एक वीडियो यहाँ पर बनाकर दे दिया था और इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप लोग इस एंसेबल के ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्लाउड नॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद फिर वीडियोस को फॉलो करिए। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एंसेबल का इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिया था और अब आज से हम एंसेबल की प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। और प्रैक्टिकल के लिए दोस्तों, प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एंसेबल के लिए जो लैब हम करेंगे उस पे लैब कैसे रेडी करना है, राइट? एंसेबल की सारे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने के लिए लैब कैसे रेडी करना है, आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो दोस्तों, बहुत सारे वे होते हैं आपको लैब करने के लिए, लैब रेडी करने के लिए। और मेरा मानना है कि जब तक आप लैब रेडी नहीं करेंगे तब तक आप एंसेबल की प्रैक्टिकल्स को नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको स्टक होता रहेगा। तो सवाल आता है कि लैब को कहाँ कहाँ पर बैठ के हम रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपल वे है लैब रेडी करने का कि आप अपने सिस्टम पे ये वीएमवेयर इंस्टॉल कर लें, राइट? ये वीएमवेयर वर्क स्टेशन इंस्टॉल कर लीजिए और इस वीएमवेयर वर्क स्टेशन के ऊपर आप तीन मशीन क्रिएट कर लीजिए और तीनों में ओएस इंस्टॉल कर लीजिए और कोशिश करिएगा सेंटोएस यूज करिए, राइट? तो जैसे कि मैं आपको बात दिखा दूं कि मेरे पास तीन मशीन है यहाँ पर, ये इन तीनों मशीनों को मैं यहाँ से स्टार्ट कर लिया। यहाँ से देखिए पावर ऑन करके, एक का नाम मैंने एंसेबल कंट्रोलर रखा है और एक का नाम वर्कर वन और एक का नाम वर्कर टू। तो तीनों मशीनों को मैंने यहां से स्टार्ट कर लिया। ये लीजिए, तीनों मशीन मैंने यहां से स्टार्ट कर लिया। और तीनों मशीन स्टार्ट होने के बाद दोस्तों, कोशिश करिएगा कि तीनों मशीन आपस में कम्युनिकेट हो, आपस में पिंग होना जरूरी है और होस्ट नेम के साथ भी पिंग होना चाहिए। तो ये मेरा एंसेबल कंट्रोलर हो जाएगा। जैसे कि मैं डायग्राम में चलता हूं थोड़ा सा, तो एटलीस्ट तीन मशीन आप रखिए, एक ये मशीन और एक ये मशीन और एक ये मशीन। तो इस तरीके से ये एंसेबल कंट्रोलर, तो मेरा ये एंसेबल कंट्रोलर हो गया। तो एंसेबल कंट्रोलर का मतलब दोस्तों, ये एक प्रकार से मास्टर हो गया, मतलब मेरा ये वर्कर वन हो गया, ये मेरा वर्कर वन नोड हो जाएगा, वर्कर वन, और ये मेरा वर्कर टू। तो बेसिकली तीन मशीन मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं यहां से कोई टास्क पुश करूंगा तो वो टास्क क्या होगा, ये वर्कर नोड में परफॉर्म करके आएगा। तो इस तरीके से हम पूरी लैब करेंगे। तो सबसे पहले तो कोशिश ये होगी कि तीनों को कम्युनिकेट होना चाहिए आपस में। अगर ये कम्युनिकेट नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब तक कम्युनिकेट नहीं होंगे तब तक आप कोई टास्क अगर इस कंट्रोलर से पुश करेंगे तो यहां पर एक्सिक्यूट नहीं हो पाएगा। तो बस ये ऑन हो जाए, उसके बाद में तो ये मेरा देखिए, ये मेरा एंसेबल कंट्रोलर नोड ऑन हो गया। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूं। वर्कर भी ऑन हो गया, वर्कर वन, इसको भी मैं ऑन कर लेता हूं।
और इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। हाँ तो सबसे पहले दोस्तों आपको, जैसे मैं एंसेबल कंट्रोलर वाली मशीन को मैंने ऑन किया, और सबसे पहले आपको यहाँ पे नेटवर्क सेटअप करना है दोस्तों, मतलब एक आईपी आपको डालना है। तो सबसे पहले कोशिश करिएगा कि आप इस पे इंटरनेट चलना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि इंटरनेट से ही आईपी गेट कर ले, तो ज्यादा बेस्ट है, हमें कोई प्राइवेट आईपी देने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए भी आपको एक प्रोफाइल सेट करना होगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक प्रोफाइल मैंने पहले से सेट कर रखा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो आप एक काम करिएगा, एनएमसी लाइक कनेक्शन ऐड कॉन नेम, कनेक्शन नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, कनेक्शन का नाम मैंने दे दिया एनसीबल कंट्रोलर। दोस्तों ये जो मैं कर रहा हूँ ये उनको समझ लग रहा होगा जिन्होंने लिनक्स के टॉपिक में नेटवर्किंग को कवर अप किया है, और अगर आपने नहीं किया, लिनक्स नहीं किया, तो आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब में जाइए और लिनक्स के ट्यूटोरियल में आप लिनक्स नेटवर्किंग के वीडियो में ये एनएमसी लाइक का यूज केस पढ़ लीजिए पहले, राइट? क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे दोस्तों, तो आपको स्क्रैच लेवल से एनसीबल सेटअप करना होगा, ठीक है? और इवन अगर आप घर पे भी लैब करेंगे तो भी आपको स्क्रैच लेवल से करना है ना, तभी तो आप लैब कर पाएंगे। तो मैं ये एक प्रोफाइल बना रहा हूँ आईपीस के लिए। तो मैंने कमांड मारा एनएमसी लाइक कनेक्शन ऐड कॉन नेम, मैंने एनसीबल कंट्रोलर रखा, और उसके बाद मैंने इफ नेम यहाँ पर ईएन गेट करके टाइप किया, तो उसने अपने आप गेट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप बोला इथरनेट और ऑटो कनेक्ट यस। तो अब मैं यहाँ पर एनएमसी लाइक कनेक्शन शो करूं, तो देखिए एनसीबल कंट्रोलर प्रोफाइल बन गई, और मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। एनएमसी लाइक कनेक्शन अप एनसीबल कंट्रोलर, तो एक आईपी इसको असाइन हो गई, ये देखिए इसको आईपी इंटरनेट से मिल गया, और ये आईपी 192.168.183.229। तो मैं इसको पिंग करके देख लेता हूँ दोस्तों, 192.168.183.229, राइट? तो ये पिंग कर रहा है, और इसी तरीके से आप इसका होस्ट नेम भी सेट कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो लैब होगी हमारी, होस्ट नेम के बेस भी हम होस्ट नेम को भी यूज करके हम चीजों को पुश किया करेंगे, तो इसलिए होस्ट नेम भी आप सेट कर लीजिए। तो मैंने कमांड मारा होस्ट नेम सीटीएल सेट होस्ट नेम, मैंने इसका होस्ट नेम भी रख लिया एनसेबल हाइफन कंट्रोलर। तो होस्ट नेम भी मेरा सेट हो गया, और देन उसके बाद अब ये होस्ट नेम से भी पिंग करे तो आपको क्या करना है, आपके पास डीएनएस होना चाहिए। अगर डीएनएस नहीं है तो हम लोकल फाइल पे, लोकल एटीसी होस्ट वाली फाइल पे जाके एंट्री कर देते हैं यहाँ पर। तो इसके नीचे हमने एंट्री कर दिया, आईपी दे दिया हमने 192.168.183.229 और एनसेबल हाइफन कंट्रोलर, ये लीजिए। तो दोस्तों अब ये देखिए, ये आईपी से भी खुद को पिंग कर रहा है, ये आईपी से भी खुद को पिंग कर रहा है 168.183.229, ये आईपी से भी खुद को पिंग कर रहा है। और अब मैं अगर इसके होस्ट नेम से पिंग करूं, जो मैंने होस्ट नेम डिफाइन किया है उससे भी पिंग करेगा, तो देख सकते हैं पिंग कर रहा है, राइट? तो मेरा एक मशीन रेडी हो गया। अब मैं वर्कर वन पे भी यही काम करूंगा और वर्कर टू पे भी। तो जो मैंने यहां पर काम किया है मैं उसको डायग्राम में भी जाकर डिफाइन कर देता हूं, जिससे कि आपको अंडरस्टैंड में इजी हो जाए। तो मैंने यहां पर इस मशीन पे आईपी किया दोस्तों, तो इस मशीन की आईपी मैं यहां पे लिख देता हूं, इस मशीन की आईपी 192.168.183.229 मैंने रखा, और इसका होस्ट नेम मैंने क्या रखा, एनसेबल हाइफन कंट्रोलर, ठीक है? ये उसका होस्ट नेम है। अब चलते हैं वर्कर वन नोड में भी यही काम करने। तो वर्कर वन पे मैं आ गया, यहां पर राइट क्लिक किया, ओपन टर्मिनल, और सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। तो मेरे इस मशीन में ऑलरेडी पहले से प्रोफाइल बना हुआ है, तो मैं इसको डिलीट करके आपको नई प्रोफाइल बनाना सिखा देता हूँ, कि भाई जिन्होंने नई, अगर किसी को लिनक्स की नेटवर्किंग नहीं आती, तो मैं जो कर रहा हूँ मेरे ही सर्वर
सिस्टम को कॉपी करके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बट दोस्तों एंसेबल की लैब, एंसेबल का प्रैक्टिकल करने से पहले आपको लैब सेटअप पता होना चाहिए, राइट, तो ही आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों के कान में चीजें घुस जाए, नहीं तो लोग क्या करते हैं सीधे एंसेबल की प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, अब लैब ही नहीं है उनके पास। तो सॉरी, मैंने यहाँ पर कमांड मारा एनएमसी लाइक कनेक्शन एड, मैंने कॉन नेम, कनेक्शन का नाम मैंने यहाँ पर दिया, कनेक्शन का नाम इस पर मैंने बोल दिया वर्कर, वर्कर वन, और मैंने इफ नेम यहाँ पर ENO, और मैंने टाइप मैंने यहाँ पर इथरनेट किया, ऑटो कनेक्ट यस, ये लीजिए। उसके बाद मैं एनएमसी लाइक कनेक्शन शो करके देखा, ओके है, एनएमसी लाइक कनेक्शन अप किया मैंने यहाँ पर वर्कर, लीजिए। तो एक आईपी चेक करते हैं, तो क्या आईपी इसको मिला, इसको डीएससीपी से आईपी मिला 192.168.183.228, तो पिंग करके देख लेते हैं 192.168.183.228 पिंग कर रहा है। ऐसे ही होस्ट नेम इसका सेट कर लेते हैं, और होस्ट नेम CTL, मैंने इसका होस्ट नेम सेट किया वर्कर वन, राइट, होस्ट नेम भी ये सेट हो गया, देखना है तो होस्ट नेम से देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए, और ये होस्ट नेम से भी पिंग करें तो इस पे भी लोकल पे जाके हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, और 192.168.183.228, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा वर्कर वन, ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है उस पर आपको माइंड नहीं करना, ये मेरा पहले का है। तो अगर मैं इसको होस्ट नेम से भी पिंग करूं तो ये होस्ट नेम से भी पिंग करना स्टार्ट कर देगा भी। तो देख सकते हैं होस्ट नेम से ये पिंग कर रहा है। तो डायग्राम में चलते हैं, तो वर्कर वन भी हमारा रेडी हो गया, वर्कर वन पे जो हमने आईपी रखा है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 192.168.183.228, और होस्ट नेम मैंने यहाँ पर रखा है दोस्तों वर्कर वन। इसी तरीके से अब तीसरा नोड है उसको भी रेडी कर लेते हैं, वर्कर टू, तो यहाँ पर भी प्रोफाइल मुझे सेट करना पड़ेगा, एनएमसी लाइक कनेक्शन जो ओल्ड है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो पहले से यहाँ पे बना हुआ है, तो ये मैंने डिलीट किया और नया प्रोफाइल बनाया एनएमसी लाइक कनेक्शन एड, और मैंने कनेक्शन का नाम कौन नेम यहाँ पे रखा मैंने वर्कर टू, और इफ नेम मैंने EN करके टाइप करा तो उसने उठा लिया, और टाइप इथरनेट ऑटो कनेक्ट यस। तो अब यहां पर मैं चेक करता हूं एनएमसी लाई कनेक्शन शो, तो देखिए बन गया वर्कर टू, बट ये इनएक्टिव है तो मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूं, एनएमसी लाई कनेक्शन ऐप वर्कर टू, तो ये एक्टिवेट हो गया, और इफ कॉन्फिग करके मैं इसकी आईपी भी चेक कर लेता हूं। तो इसकी आईपी देखिए क्या आया 202, तो इसको मैं पिंग कर लेता हूँ एक बार आईपी से 192, पिंग किया मैंने यहाँ पर 192.168.183.202, तो ये पिंग कर रहा है, और अगर होस्ट नेम से पिंग करवाना है तो मैं इसका होस्ट नेम भी सेट कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए मेरे मशीन में पहले से ऑलरेडी सेट है, बट मैं फिर भी कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आते जाए चीजें। तो होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, और इसका होस्ट नेम मैंने वर्कर टू रखा, और चलते हैं लोकल ETC होस्ट वाली फाइल में एंट्री कर देते हैं जिससे होस्ट नेम से भी पिंग कर जाए। तो मैंने यहाँ पे 192.168.183.202 और वर्कर टू, तो मैं फाइल को सेव करके बाहर आया और होस्ट नेम से पिंग कराता हूँ, तो देख सकते हैं कम्युनिकेट हो रहा है। तो अब डायग्राम में चलते हैं, तो हमने यहां पर भी सेटअप कर दिया है, तो यहां पर मैंने आईपी क्या डाला 192.168.183.202 और होस्ट नेम क्या है वर्कर वन वर्कर टू। तो इस तरीके से हमने आईपी और होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये वाला मशीन इसको पिंग कर पा रहा है, क्या इसको पिंग कर पा रहा है, क्या ये इसको पिंग कर पा रहा है, क्या ये इसको पिंग कर पा रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। हाँ एक चीज बता दूं, ये इसको पिंग करे चाहे ना करे, ये इसको पिंग करे चाहे ना करे, लेकिन ये वाला मशीन दोनों को पिंग करना चाहिए दोस्तों,
ये वाला मशीन इसको भी पिंग करना चाहिए, ये वाला मशीन इसको भी पिंग करना चाहिए। ठीक है तो चलते हैं फिर पिंग करा के देख लेते हैं। तो हमारा वर्कर वन का आईपी के 228 है और हम कंट्रोलर पे बैठे हैं तो पिंग करके देख लेते हैं 192.168.183.228। तो बिल्कुल पिंग कर रहा है। क्या वर्कर टू को पिंग कर रहा है वो भी देख लेते हैं। वर्कर टू का 202 आईपी है तो वर्कर टू को पिंग कर लेते हैं 192.168.183.202। वर्कर टू को भी पिंग कर रहा है तो पिंग कर रहा मतलब कम्युनिकेशन हो रही है। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये वाला मशीन जैसे अपने आप को पिंग किया था तो होस्ट नेम से पिंग कर पा रहा था, क्या ये वाला मशीन इसको इसके होस्ट नेम से पिंग कर सकता है? क्या ये वाला मशीन इसको इसके होस्ट नेम से पिंग कर सकता है? आईपी से तो कर रहा है, क्या होस्ट नेम से कर सकता है ये भी देखते हैं। क्योंकि कंपनी के अंदर क्या होता है कई टास्क ऐसे होते हैं जो आईपी से पुश नहीं करते, आप नेम से पुश कर रहे होते हो तो वहां पर होस्ट नेम से पिंग होना इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं भाई क्या ये होस्ट नेम बोले तो वर्कर वन के होस्ट नेम से पिंग कर रहा तो नहीं कर रहा, क्या वर्कर टू से कर रहा तो नहीं कर रहा। तो अगर आप होस्ट नेम से पिंग करवाना चाहते तो क्या करना होगा? तो फिर आप एनसीबल कंट्रोलर के ETC होस्ट फाइल के अंदर चाहिए और यहां पर वर्कर वन की आईपी मेंशन करिए और आगे उसका होस्ट नेम लिख दीजिए, लीजिए। तो अब आपका काम हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास DNS है तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैं वर्कर टू की आईपी भी लिख देता हूं यहां पर और फाइल को सेव करके बाहर आइए। तो अब अगर आप पिंग करेंगे तो देखिए कम्युनिकेशन स्टार्ट, राइट। ये देखिए इसी तरीके से एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं क्या ये इसको पिंग कर पा रहा है। तो डेफिनेटली कंट्रोलर की आईपी क्या है एक बार देखें, कंट्रोलर की आईपी 229 है तो ये वर्कर वन पे गए और वर्कर वन अगर कंट्रोलर को पिंग करे 183.229 तो डेफिनेटली कर रहा है। क्या वर्कर वन उसको, अब जैसे वर्कर वन खुद को खुद के होस्ट नेम से पिंग कर रहा था, राइट, क्या वर्कर वन एनसीबल कंट्रोलर को उसके होस्ट नेम से पिंग कर रहा है? एनसीबल कंट्रोलर का होस्ट नेम क्या है? एनसीबल हाइफन कंट्रोलर, तो नहीं कर रहा। तो ये भी क्या करेगा, ये भी अपने ETC होस्ट वाली फाइल पे जाएगा और यहां पर कंट्रोलर की आईपी फिट कर लेगा यहां पर, ये लीजिए। तो दोस्तों एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास DNS है, DNS ऑलरेडी बना हुआ है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ये तब किया जाता है जब आपके पास DNS नहीं है और मेरे पास अभी कोई DNS सर्वर नहीं है इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। तो देखिए पिंग करने लगा। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर भी आके चेक कर लेते हैं क्या ये इसको पिंग कर पा रहा है वर्कर टू से, तो 192.168.183.229 एक मिनट क्या आईपी था 229 पिंग क्यों नहीं किया 192.168.183.229 यह पिंग कर रहा है। क्या ये होस्ट नेम से पिंग कर पा रहा है कंट्रोलर को? नहीं कर पा रहा। तो ये भी अपने इस फाइल में जाएगा और यहां पर वो 192.168.183.229 और ansible hyphen controller। तो अब इसने यहां पर क्या किया, ansible hyphen controller, राइट, डन। तो दोस्तों अब ये सारे आपस में कम्युनिकेट होने लगे, हमने देख लिया। तो हमारा लैब हो गया रेडी, अब हम बढ़िया से एनसीबल का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों ये तो मैंने VM के ऊपर किया, आप इसी तरीके से अगर आप लैब चाहो तो आप AWS पे जाकर भी बना सकते हो, राइट। आप AWS पे जाइए, 3 इंस्टेंस बनाइए और वहां पर भी आप लैब ऐसे सेटअप कर सकते हैं। और अगर आपको Azure क्लाउड आता है तो Azure क्लाउड के ऊपर भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको गूगल क्लाउड आता है तो आप गूगल क्लाउड के ऊपर भी कर सकते हो। और अगर आपके पास फिजिकल मशीनें हैं तो आप 3 फिजिकल मशीनें रखिए, फिजिकल मशीनें 3 फिजिकल मशीनें ऐसे रखिए, बीच में आप एक नेटवर्क स्विच रखिए और तीनों को आपस में कनेक्ट कर लीजिए और सेम ऐसे ही कम्युनिकेट करा के आप अपनी लैब बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज अभी का वीडियो एनसीबल
कि प्रैक्टिकल से पहले उसका लैब रेडी करना, एनसेबल के प्रैक्टिकल को करना है तो उसके लिए लैब चाहिए, तो ये लैब बनाने की वीडियो थी मेरी। और अगला वीडियो मेरा होगा एनसेबल का चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं, तो अब हम वन बाई वन करके बिगनिंग से लेकर एंड तक जाने वाले हैं। तो अगला वीडियो मेरा होगा, ये वाला वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, अगला वीडियो मेरा होगा कि एनसेबल इंस्टॉल कैसे करते हैं और किस तरीके से हम टास्क को पुश करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम मॉडल्स में देखेंगे, प्लेबुक देखेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स इसमें आने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये वाला वीडियो हम यहीं पे ऑफ करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी एनसेबल का लैब के साथ। चलो दोस्तों, बाय बाय।